हेलो दोस्तों, आज की बहुत ही अच्छी अपडेट आ गई है। वर्ग 3 का जो भी अपडेट था वो आ गया है, उसका रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या ले जाना है। आपको 6 फोटोग्राफ्स ले जाना, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आप यहाँ पे देख रहे हैं जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी ले जाना है। और आपको यहाँ पर बता दूँ काय की IAS सेक्शन अब प्रोफेशनल एग्जाम का आपको स्कोर कार्ड ले जाना है और नोटरी। आप यहाँ पर सब पढ़ सकते हैं। जो कि आपको दिव्यांग है तो उसका 40% का आपको सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य है, मूल निवासी ले जाना है, EWS ले जाना और परीक्षा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक रिजल्ट कब आउट हुआ है, बिल्कुल मैं रियल प्रूफ के साथ आपको वीडियो बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं लोक सेवा संचालनालय का है और एक आज ही की डेट मतलब 25/8/2022 का ही अपडेट है। तो आप इसमें देख सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा शैक्षणिक वर्ग सेवा भर्ती 2018 नियम 5(4)(k) के अनुसार प्रोफेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन मध्य प्रदेश द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षा पदों हेतु पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर भर्ती हेतु विज्ञापन 30/12/2019 को जारी किया गया था। विज्ञापन के पदों के आधार पर जारी चयन सूची के क्रम में प्रत्येक अभ्यर्थी के नियम एवं शेष वर्गों के उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर चयन प्रशिक्षण मेरिट क्रमांक पत्र। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि रिजल्ट आया है, जो कि आपका आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रोज की रिजल्ट आया है उसका चयन पत्र क्रमांक आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। माध्यमिक मतलब कि वर्ग 1 का है, जो भी जीव विज्ञान के थे उनका भी है। तो इसी के रिगार्डिंग वर्ग 3 का भी रिजल्ट जल्दी आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें।